हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरी डिफेंस स्कूल। हम लोग आज डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2021 का पेपर क्लास 6 का जनरल नॉलेज सब्जेक्ट का, जो कि हमारा जो है 7 फेब को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जीके सेक्शन के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट कितने क्वेश्चन आप लोगों ने जो है पेपर में सही करके आए हों। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। The first question is on your screen. Which of the following will dissolve in water? इसमें से कौन सी चीज जो है जो वाटर में जो है इजीली जो है डिजोल्व हो जाएगी? सॉइल, चॉक पाउडर, शुगर, ऑयल। द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन इज दैट इज ऑप्शन सी। जो शुगर जो है, अगर आप देखोगे कि जो वाटर में जो है इजीली जो है डिजोल्व हो जाती है, लाइक सॉल, शुगर, कॉफी, दे आर यूजली dissolve faster and better in warm or hot water. Warm और hot water में जो है ये easily जो है dissolve हो जाती हैं। And the things which are not so not dissolve like paper and sand are insoluble, they will not even dissolve in hot water. वो hot water में भी जो है dissolve नहीं होंगे। The next question is which of the following is a communicable disease? So first of all we all should know ki what is communicable disease. Communicable hota hai hamara infectious disease or we can say transmissible disease, जो कि हमारा इजीली जो है ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। अब किस तरीके से? इट कैन बी कंटेमिनेटेड थ्रू एयर, कंटेमिनेटेड एयर, फूड एंड वाटर और फिजिकल कंटेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन अमंग ऑल दीज फोर ऑप्शंस आर दैट इज ऑप्शन बी, चिकन पॉक्स। ये एक हमारी जो है वायरल डिजीज है कॉज्ड बाय किसके थ्रू? वेरिसेला। ये जो हमारी होती है इसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट इज इचिंग एंड रेशिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्लाइंब द माउंटेन्स वी हैव टू बैंड फॉरवर्ड, बैंड बैकवर्ड, वॉक स्ट्रेट या वॉक साइडवेज। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन ए, बैंड फॉरवर्ड। जब भी हम माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, सो वी हैव टू बेंड फॉरवर्ड। नेक्स्ट आता है, सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल आर कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय विंड बिकॉज दे पोजेस विंग सीड, लार्ज एंड हेरी सीड्स, लॉन्ग एंड रीच्ड फ्रूट्स या फिर स्पाइनी सीड्स। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन ए, विंग सीड्स। जो मैपल होता है आपका, ये एक तरह से एक छायादार वृक्ष होता है एंड इट पोजेसेस विंग सीड। जैसे कि आप देख सकते हो कि दिस इज आउटर, दिस इज द विंग्स एंड इंटरनल दिस इज सीड एंड दिस इज आल्सो सीड। डैश इज अ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक ऑफ राजस्थान, टांका, खादिन, बवाड़ी, कुआन। The correct answer for this is that is option A, tanka. It is also known as tanka. ये जो है mostly जो है आपका जो है पाया जाता है, it is common to the Thar desert region of Rajasthan. Thar desert region में ये टेक्निक जो है पाई जाती है और इसका जो पर्पस है, इट इज़ मेंट टू प्रोवाइडिंग टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। एंड वाटर सिक्योरिटी फॉर फैमिली और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रसगुल्ला इज अ पॉपुलर स्वीट ऑफ विच स्टेट? वेस्ट बंगाल,
पंजाब केरला हिमाचल प्रदेश इट इज क्वाइट फेमस रसगुल्ला दैट इज अ पॉपुलर स्वीट ऑफ दैट इज ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट. नेक्स्ट आता है और ये जो है आपका जैसा कि आपको पता है कि जो रसगुल्ला दैट इज मेड ऑफ मिल्क एंड शुगर एंड इट इज अ पॉपुलर बंगाली स्वीट. और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू विद दिस इन 2017 वेस्ट बंगाल को जो है वेस्ट बंगाल रिसीव्ड GI tag for its variety of rasgulla. Which of the following is a tribal community of India? Pandit, Jat, Bhil, Punjabi. The correct answer for this is that is option C. ये भील जो है आपका जो है लार्जेस्ट ट्राइब है इन इंडिया. इट इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया. यहाँ जो है मोस्टली जो पीपल जो है ये कौन कौन सी स्टेट में जो है मिलते हैं? गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, इन इन जगहों पर. नेक्स्ट आता है नेम एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बिल्ट इन द 18th सेंचुरी बाय राजपूत किंग स्वाई जय सिंह ऑफ राजस्थान. रेडफोर्ट, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, ताजमहल. आपने एक नेम बताना है जो कि 18th सेंचुरी में राजपूत किंग स्वाई जय सिंह ऑफ राजस्थान के द्वारा जो है बिल्ड करी गई थी. दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन सी दैट इज जंतर मंत्र. ये जो जय सिंह थे ये जो है काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे मैथ्स, आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी में. और इन्होंने जो है जंतर मंतर जो है ही कमीशन जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी एट मल्टीपल प्लेसेस इन इंडिया इंक्लूडिंग हिज कैपिटल जो कि राजस्थान की कैपिटल दैट इज जयपुर. आई होप द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट आता है डैश इंक्लूड्स इंटरनल रॉक्स, मिनरल एक्सेट्रा, एटमोसफेयर, बायोस्फेयर, हेमिस्फेयर या फिर जियोस्फेयर. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन डी जियोस्फेयर. जियोस्फेयर इंक्लूड्स इंटरनल रॉक, मिनरल्स एक्सेट्रा. और इसका जो है एक कलेक्टिव नेम भी है दैट इज कलेक्टिवली जो लिया जाता है दैट इज लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड द एटमोस्फेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर बरीड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो आर नोन एज. जो प्लांट्स एंड एनिमल के जो रिमेन्स होते हैं यानी कि लेफ्ट ओवर पार्ट्स आते हैं जो कि बहुत सालों पहले जो है बरी करे गए थे, दफनाए गए थे, दैट नोन एज पोटेंशियल रिजर्व, फॉसिल फ्यूल्स, बायोमास फ्यूल या फिर एनिमेट पावर. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज फॉसिल फ्यूल्स दैट इज नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. दीज आर एनर्जी रिसोर्सेज फॉर्म्ड फ्रॉम द बरीड रिमेन्स दैट लिव मिलियंस ऑफ इयर्स अगो.
नेक्स्ट आता है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? नटवर सिंह, पी के कृष्ण मेनन, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन सी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित. नेक्स्ट हमारा आता इंदिरा गांधी, दैट वी ऑल नो द ओनली फीमेल Prime Minister of India and she is also daughter of Jawaharlal Nehru ji. Next aata, in which of the following parts of the human body are sweat glands absent? Yani ki hamare human body ke kaun se part mein jo hai sweat glands nahi hote hain, absent? Scalp, armpits, lips or palms? The correct answer for this is that is option C, lips. Lips are that part of human body where sweat glands are absent, and sweating helps add moisture. Back to our skin. But our lips are more apt to dry out. जो हमारे lips हैं वो और ज़्यादा जो है dry out कर देते हैं due to their lack of sweat glands. Next question is, what do we call the young one of a kangaroo? Young one of a kangaroo को हम क्या कहते हैं? Foal called joy cub. The correct answer is that is option C, joy. Newborn joys are just 1 inch long. 1 inch long होते हैं, that is around 2.5 centimeter at birth. Foal जो है ये जो है young one of horse का जो young one होता है उसको जो है foal बोला जाता है. और कोल्ट जो होता है आपका दैट इज यंग मेल हॉर्स. इसमें जो है अंडरफॉल क्या होता है कि आपका जो है आइदर ऑफ वन ईयर ऑफ एज होना चाहिए, चाहे मेल और फीमेल, डिफरेंस बिटवीन फॉल एंड कोल्ट. और यहाँ पर जो है कोल्ट उसको बोलते हैं जो यंग मेल हॉर्स का बच्चा होता है, दैट इज यंग वन. Cub, that is a fox के young one, और lion के बच्चे को जो है हम जो है cub बोलते हैं. Clouds are mostly made of snow, dust, water droplets, smoke. Very easy, that is option C, water droplets. ये जो है आपके जो है that we all know the cloud is made of water drops और आइस क्रिस्टल फ्लोटिंग इन द स्काई, जो स्काई में जो है फ्लोटिंग इन द स्काई. आई होप दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क हैज वास्ते मोई हैड बीन अवॉर्डेड द 29th सरस्वती सम्मान? यानी कि इनमें से जो है कौन से काम के लिए जो है वासुदेव मोई को जो है 29th सरस्वती सम्मान जो है इनको जो है मिला है? लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव, चेक बुक, द स्ट्रेंजर डायरीज, अ सॉन्ग फॉर ए न्यू डे? द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन बी, चेक बुक. इनको जो है इनकी ही हैज बीन सिलेक्टेड फॉर हिज प्रेस्टीजियस prestigious literary award for his short stories collection, that is checkbook. इसके लिए मिला गया है. और जो हमारा सरस्वती सम्मान, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता देती हूँ आपको, जो सरस्वती सम्मान है ये जो है हमारा 1991 में जो है शुरू हुआ था. और इसका जो है रिवार्ड जो मिलता है
जो सरस्वती सम्मान जी ने मिलता है उनको जो है 15 लाख जो है कैश भी मिलता है। फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट डिड इंडिया अडॉप्ट इट्स नेशनल एम्बलम? कपिल वस्तु, हस्तिनापुर, सारनाथ, पानीपत? द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन सी दैट वी हैव टेकन फ्रॉम सारनाथ, एक्चुअल लैंड कैपिटल ऑफ सारनाथ, अडॉप्टेड एम्बलम आफ्टर मॉडिफिकेशन। ये जो है हमने दैट इज एन अडॉप्टेशन फ्रॉम लैंड कैपिटल ऑफ अशोका, जो अशोका की जो लैंड कैपिटल है एट सारनाथ जो है इसको जो है हमने अडॉप्ट करा था एज ए नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, द डे इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। वो दिन जब इंडिया जो है रिपब्लिक जो है बना था। नेक्स्ट आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ डांस इज द स्टोरी थीम ऑलवेज टेकन फ्रॉम महाभारत एंड रामायण? मोहिनीअट्टम, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी? द करेक्ट आंसर इज ये जो कह रहे हैं कि आपका जो है आउट ऑफ दीज फोर डांस स्टाइल जो है उसका स्टोरी या थीम जो है हमेशा लिया जाता है फ्रॉम महाभारत एंड रामायण से, तो इसमें से कौन सा जो है डांस स्टाइल है? दैट इज द करेक्ट आंसर इज दैट इज भरतनाट्यम। अब मुझे जल्दी से बताइए जो है भरतनाट्यम जो है कौन सी स्टेट का जो है डांस फॉर्म है? कमेंट सेक्शन में। कुचिपुड़ी दैट इज ऑफ आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा का, और मोहिनीअट्टम दैट इज ऑफ केरला। भरतनाट्यम का आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अरेंज द मंथ्स बेस्ड ऑन अ नेशनल कैलेंडर एज पर साका एरा इन करेक्ट सीरियल, चैत्र, विशाखा, ज्येष्ठ या फिर अषाढ़? आपको जो है सीक्वेंस में जो है बताना है कि सबसे पहले जो है कौन सा आता है मंथ्स के अकॉर्डिंग जो है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज ए बी सी डी, बी सी डी ए, डी ए सी बी या सी डी ए बी। द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज ऑप्शन वन। ए बी सी डी यानी कि यही जो स्टार्टिंग होती है नेशनल कैलेंडर की साका एरा की जो है दैट इज स्टार्टेड विथ चैत्र मंथ। चैत्र का जो महीना होता है एज ए फर्स्ट मंथ जो है एज ए इस मंथ से जो है बिगनिंग, और यही सीक्वेंस जो है आगे फॉलो। देन आफ्टर चैत्र मंथ विशाखा, ज्येष्ठ एंड देन आषाढ़। एक नॉर्मल ईयर जो होता है हमारा दैट कंसिस्ट ऑफ 365 डेज एंड दैट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम 22 मार्च। ये चीज जो है हमने कब से अडॉप्ट करी थी? 22 मार्च 1957 से, अलोंग विद जॉर्जियन कैलेंडर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबैट एयरक्राफ्ट? कंबैट होता है आपका लड़ाकू वायुयान, तेजस, ध्रुव, बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर या फिर चेतक? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन ए, तेजस जो है ये हमारा जो है लड़ाकू वायुयान है। और जो तेजस का कंप्लीट नेम है दैट इज तेजस MK-1A। ये जो एयरक्राफ्ट था आपका इंडिया में बना था, ये मेड इन इंडिया एंड अ फाइटर प्लेन, एक फाइटर प्लेन है, एक लड़ाकू विमान है विथ ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, सारी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो है इसमें। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल्स? वेल देर इज समवट ऑफ information that is left before that is Boeing C-17 Globemaster. Ye aircraft that is it is used for transport. Dhruv jo hai aapka ye assist karta hai kisko?
कंबाट एयरक्राफ्ट को, यानी कि जो लड़ाकू वायुयान होते हैं उनको जो है ध्रुव जो है आपका जो है असिस्ट करता है। चेतक आपका जो है एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। विच डिवाइस इज यूज टू मीजर दी स्पीड ऑफ व्हीकल्स? ग्रेविमीटर, स्पीडोमीटर, गायरोस्कोप, किलोमीटर। द करेक्ट आंसर इज दैट इज स्पीडोमीटर। नाउ ग्रेविमीटर क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मीजर्स ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एट स्पेसिफिक लोकेशन। नाउ मुझे जो है आप जल्दी से लिख के बताइए कि गायरोस्कोप इज यूज्ड फॉर व्हाट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमेस्टिकेटेड इन पोल्ट्री फार्म्स? कॉड, शिप, हैन, होसिस। इनमें से किस चीज़, डोमेस्टिकेशन मीन्स पशुपालन, या इनमें से पोल्ट्री फार्म्स में किसका जो है पालन जो है किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन सी, हैन। द डिश कवर द टंग एंड रिएक्ट टू केमिकल्स इन फूड? टेस्ट बड, स्फिंक्टर्स, टीथ, स्किन। द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज जो टेस्ट बड है वो कवर करती है, दैट कवर्स द टंग एंड रिएक्ट टू केमिकल्स इन फूड। फूड में जो भी केमिकल्स होते हैं उनको जो है रिएक्ट करती है। कैसे? ये एक तरह से आपके टेस्ट बड जो हैं सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सेंस कर लेते हैं, जो कि आपके जो हैं टंग पर जो हैं फाउंड करे जाते हैं, पाए जाते हैं, दैट आर फाउंड ऑन अवर टंग एंड ऑल्सो अलाउस टू एक्सपीरियंस टू टेस्ट दैट कौन सी चीज़ जो है स्वीट है। इसी चीज़ से ही हमें पता चलता है कौन सी सॉल्टी, कौन सी जो है बिटर है। ये सारी की सारी चीज़ जो है हमें जो है टेस्ट बड के मदद से जो है पता चलती है। व्हाट डज फ्रीजिंग डू व्हेन प्रिजर्विंग फूड्स? कीप्स द फूड प्रोडक्ट हार्ड, फूड प्रोडक्ट को हार्ड करते हैं। कीप्स द फ्लेवर्स ऑफ द फूड फ्रेश, फ्रेश करते हैं, या फिर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? लास्ट, नन ऑफ द अबव। आपने देखा होगा कि हम लोग भी काफ़ी यूज करते हैं प्रिजर्विंग फूड, जो फ्रीजिंग करके रखे हुए होते हैं। मैनी अ टाइम्स वी यूज पीज एंड ऑल, जितने भी हमारे फ्रोजन फ्रूट चीज़ें होती हैं, तो हम लोग तो इस चीज़ से जब फ्रीजिंग कर हम प्रिजर्व करके रखते हैं, तो क्या चीज़ इसमें इम्पैक्ट करती है? हमारा फूड का जो प्रोडक्ट है हार्ड हो जाता है, या फिर फूड का फ्लेवर फ्रेश, या फिर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन सी, इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेथड जो है काफ़ी टाइम से जो है यूज़ होता आ रहा है फॉर सेंचुरीज इन कोल्ड रीजन, एंड जो है इसका पेटेंट जो है वो भी इशू करा गया था, दैट वाज इन ब्रिटेन। इन 1842 नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स ट्रॉफीज इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल? डेविस कप, चैंपियंस ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, या फिर दियोदर ट्रॉफी? द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन सी, फुटबॉल से जो हमारी एसोसिएट करती है वो हमारी संतोष जो है ट्रॉफी होती है, और डेविस कप दैट इज रिलेटेड टू टेनिस। चैंपियंस आपकी जो ट्रॉफी होती है वो हमारी हॉकी और क्रिकेट से रिलेट करती है, एंड दी अदर दैट इज रिलेटेड टू, चलिए ओके, दी अदर ट्रॉफी जो है दैट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। हाउ डू एंट्स रिकॉग्नाइज एंट्स फ्रॉम देयर ग्रुप? कैसे आंट जो है अपने ही ग्रुप में से जो है, मतलब जो उनका ग्रुप होता है,
जो है आंट्स को जो है पहचानते हैं कलर के थ्रू, बाय फेस, बाय स्मेल और बाय हाइट, दैट इज बाय स्मेल. सो ऑल द 25 क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम दैट आई हैव कवर्ड अप विद एक्सप्लेनेशन. आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन. एंड हर बच्चा जो है ये जरूर बताए कि उसका जो है 25 में से जो है क्या स्कोर रहा है, उनके कितने क्वेश्चंस जो हैं सही हुए हैं, कितने आंसर्स जो हैं सही करके आए हैं पेपर में. एक आपको आइडिया लग जाएगा. एंड इट वाज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग टू यू ऑल. थैंक्स एवरीवन. थैंक यू. इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.